SMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पतालों में डॉक्टर नर्स और कंपाउंडर नहीं है, बिहार में 1,00,000 आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी हैं। नीतीश कुमार के क्रिकेटर वाले बयान पर जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है, एक अनुभवी राजनेता होते हुए वो किस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, क्या हम फिल्मों या क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में नहीं आ सकते, इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर इंजीनियर भी राजनीति में नहीं आ सकते। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि 15 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही, हम बिहार की जनता से इसलिए एक मौका मांग रहे हैं ताकि नीतीश जी ने 15 साल में जो नहीं किया वो हम कर सके। नीतीश जी महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते, बिहार में महंगाई है, पलायन की समस्या है, गरीबी है, उद्योग धंधे नहीं है, इन सब पर वो क्यों कुछ नहीं बोलते। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हमें भरोसा है कि नीतीश जी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को परिणाम आने पर नीतीश जी को भी इसका पता चल जाएगा, इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा पिछले 15 सालों में बिहार को बहुत सताया गया है, बिहार के प्रवासी मजदूरों को अपराधी तक बता दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ News, इंडिया।